प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो विधेयक 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून, ये 3 विधेयक के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे, अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे, और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा, और न्याय देने की प्रक्रिया में, ये न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है, अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है वही होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही, इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तापित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।